विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसे लगने लगा कि अभी वे मूर्छित हो जाएंगे। फिर स्वयं को संभालकर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है, राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं ही जाने को तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह ना करें, राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैं अपने योग्य बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा सकता हूँ। आप निसंकोच होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी नहीं होने दिया। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनय है कि कृपया करके मुझे संसे चलने की आज्ञा दे। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालक करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता तो मैं कदापि यहाँ नहीं आता। लो, मैं अब चलता हूँ। बात समाप्त होते होते उन मुख क्रोध से लाल हो गए। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रोध होते देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिष्ठा, पालन और सत्यनिष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आपका राम बालक होने की बात को भूलकर एवं निसंकोच होकर राम को मुनि श्रेष्ठ के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है। मुनिवर के साथ जाने से राम किसी प्रकार से भी अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अत्यंत निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण ही होगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुलाल भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा सिरोधार करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र से चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े।